हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लश विद निकी। किद्दा सारे सर, टाइटल आपने देख लिया है, इट्स अ पोपोक्सोस न्यू लॉन्च लिपस्टिक। एंड एक उन्होंने ऐसा वाला मस्कारा और काजल का सेट भी लॉन्च किया, मतलब उसकी पैकेजिंग ऐसे वाली है, लिपस्टिक भी हार्ट शेप है। एंड इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, इन्होंने पूरी रेंज लॉन्च करी है जिसमें ब्लशेस हैं, लिपस्टिक्स हैं एंड दिस हार्ट शेप वाला मस्कारा काजल वाला भी है, सेट है जो कॉम्बो है। तो ब्लश की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लिपस्टिक्स एंड दिस। ओके, मैं बार बार ऐसे इसीलिए कर रही थी बिकॉज इसकी पैकेजिंग ऐसी इसकी पैकेजिंग है, इसमें काजल है, मस्कारा है, देन दीज आर द लिपस्टिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो, नहीं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग आपको लिपस्टिक्स की दिखा ही दी हैं और ये ऐसे खिल क्यों रही हैं, ये भी हार्ट शेप में है ब्लशेस की तरह ही, बट ना ये ब्लशेस से थोड़ी सी बड़ी हैं। ब्लशेस तो थोड़ी छोटी थी बट ये थोड़ी सी उससे बड़ी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ लिपस्टिक, ये हार्ट शेप में इसलिए है क्योंकि इसके एक साइड पे है लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, एक साइड पे है लिप ग्लॉस। और इसमें दो ही शेड लॉन्च हुए हैं, ब्लश में भी दो शेड थे, इसमें भी दो ही शेड लॉन्च हुए हैं। एक है ये पिंक लिप डुओ सिचुएशनशिप जिसका नाम है, दूसरा है ये न्यूड लिप डुओ जिसका नाम है पार्टनर इन क्राइम। ओके, मेरे को लगता है ना तीन तो लॉन्च होने चाहिए थे, एटलीस्ट एक रेड भी होना चाहिए था बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो रेड के शेड्स ही लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पिंक के शेड्स ही लगाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो न्यूड के शेड्स ही लगाते हैं। देन देर आर सम पीपल जस्ट लाइक मी जो सारे शेड्स लगा लेते हैं, रेड के भी, पिंक के भी और न्यूड के भी, कुछ नहीं छोड़ते हम। तो ये निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। एज आई सेड ये ब्लश से बड़ी हैं, बट इनकी पैकेजिंग बिल्कुल वैसी ही है, सो क्यूट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड लिपस्टिक पोपोक्सो माइग्लैम, इधर लिखा हुआ है लिप ग्लॉस पोपोक्सो माइग्लैम, क्योंकि इधर लिप ग्लॉस है इधर लिपस्टिक है तो ऐसे लिखा हुआ है। एंड देन अगेन इट्स अ प्लेफुल जस्ट लाइक द ब्लश, सी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। ओके, ये बात मुझे लास्ट में बोलनी चाहिए थी पर मैं सबसे पहले बोल रही हूँ दैट दिस इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली बिकॉज लुक एट द कैप्सूल, आप ऐसे डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो। मार्कर लग रहा होगा एंड द वो होते हैं ना हाइलाइटर, जो वो वाले हाईलाइटर नहीं, वो जो बुक्स वाले हाईलाइटर होते हैं वैसा सा लग रहा है, आई नो। तो ये कुछ ऐसे है ठीक है। तो ये मैंने कौन सा निकाला है, चलो निकाल के देखते हैं। सो दिस इज द पिंक लिप डुओ। तो मैं ना जो लिप्स वॉचेस हैं वो आपको यहाँ पे डाल दूंगी। तो इसका कुछ शेड ऐसा है, यू कैन सी ये जो लिपस्टिक्स है ना, ये प्रॉपर मैट लिपस्टिक है जिसका प्राइस है 449। ओके गाइस, 450 में आपको लिपस्टिक और लिप ग्लॉस दोनों मिल रहे हैं। मुझे तो ग्लॉसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं, यू कैन सी मैंने अभी भी लगा रखी है। तो लिपस्टिक लिप ग्लॉस 450 में आपको दोनों मिल रही हैं। ऊपर से ये इतनी क्यूट पैकेजिंग है, अब मैं आप बोलोगे कि हर वीडियो में आके बोल देती है बट मुझे क्यूट चीज़ें बहुत 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 पसंद है, तो मैं जस्ट जल्दी से ग्रैब कर लेती हूँ, मुझे कुछ भी क्यूट दिखता है और सस्ता दिखता है तो और भी जल्दी ले लेती हूँ मैं 450 के अकॉर्डिंग। और वैसे भी हमेशा डिस्काउंट मिल जाएगा माइग्लैम पे या फिर नायका पे या फिर मिंत्रा पे, कहीं तो मिल ही जाएगा, तो 400 रुपए तक की पड़ जाएगी आपको, तो क्वाइट अफोर्डेबल। लाइक 200 रुपए की लिपस्टिक, 200 की ग्लॉस, तो क्वाइट अफोर्डेबल। और इसका अगर फॉर्मूला देखो तो गाइस लिपस्टिक का फॉर्मूला इतना लाइट है ना, आई कांट टेल यू कि लगाई हुई ना फील ही नहीं होती है कि कुछ लगा रखा है। और अभी ये सूख जाएगी, मैं दिखाऊंगी। एंड इट्स ट्रांसफर प्रूफ, टोटली ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। एंड द ग्लॉस गाइस, ग्लॉस की फिनिश भी काफी अच्छी है, सी दिस इज द ग्लॉस। और ग्लॉसेस तो आपको पता ही है कि निकल जाती हैं, है ना, तो आप इससे लॉन्ग लास्टिंग वाला तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आपको सुन के पता लग रहा होगा कि मुझे इनका फॉर्मूला भी काफी अच्छा लगा है, लाइक लिपस्टिक टोटल मैट है, सी अभी सूख गई है और वैसे मैंने वहां पे भी दिखा दिया है, बट ये बिल्कुल मैट फॉर्मूला है जो कि काफी लाइट वेट है। एंड ग्लॉसेस तो निकल जाती हैं कुछ भी खाने पीने से, और ये ग्लॉस का फॉर्मूला भी अच्छा है, लाइक ना बहुत चिपचिप नहीं है, कुछ ग्लॉसेस ना बहुत चिपचिप होती हैं और ये इतनी जल्दी भी नहीं निकलती। और अगर आप अकेली ग्लॉस भी लगा रहे हो ना तो इट्स अ टिंटेड ग्लॉस, यू कैन सी इसमें से थोड़ी सी खुशबू भी आती है, इट्स अ टिंटेड ग्लॉस, तो ग्लॉस निकल भी जाएगी ना, थोड़ा बहुत टिंट रहेगा लिप्स पे। एंड दिस इज सुपर सुपर क्यूट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज अ हिट प्रोडक्ट, सच अ हिट प्रोडक्ट, आपको ना चेकआउट करना चाहिए। फॉर ऑल द क्यूट गर्लीज हु लव्स क्यूट थिंग्स, डेफिनेटली शुड हैव दिस। सेकंड जो है वो है न्यूड शेड है, यू कैन सी
पैकेजिंग इसकी, बस रेड भी होना चाहिए था इसमें। इट्स अ न्यूड ब्राउन शेड गाइज, चॉकलेटी ब्राउन शेड, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। पिंक वाला भी अच्छा है बट मुझे चॉकलेट ब्राउन शेड ज्यादा अच्छा लगा, रेड को मैं मिस कर रही हूँ स्टिल। तो इसकी जो ग्लोस है वो भी ऐसी ही है, इन्होंने ना मतलब मैचिंग की ग्लोस ही बनाई है। अगर थोड़ा सा ग्लोस का फॉर्मूला शाइनी सा हो जाता है तो बिल्कुल मैच तो नहीं कर सकता शेड से, बट स्टिल जितना हो सके इन्होंने मैच करने की कोशिश की है ताकि उसके ऊपर ये कॉम्बो अच्छा लगे। एंड गाइज आई एब्सोल्यूटली लव दीज लिपस्टिक्स। देन मूविंग ऑन टू दिस कॉम्बो, मैंने सोचा फटाक से ना इसका भी एक रिव्यू दे ही देते हैं साथ में। ये भी 449 का है कॉम्बो, जिसमें आपको मिल रहा है एक काजल, एक काजल है, एक हमारे पास है मस्कारा। गाइज मैंने ना इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा होगा, बट इट्स एक्चुअली अमेजिंग। काजल मैं आपको दिखाती हूँ, आपको स्मोकी लुक्स करने हैं ना ब्लेंडेबल काजल चाहिए, और एक ऐसा काजल जो एक स्ट्रोक में ही लग जाता है, देन दिस इज फॉर यू। काफी डीप ब्लैक काजल है, काफी अच्छा है, एंड ना ये एक स्ट्रोक में लग जाता है और इजिली ब्लेंडेबल है। मैंने यही लगा रखा है, एज यू कैन सी, और गाइज मस्कारा भी यही लगा रखा है। नाउ सीधा मस्कारा, आई नो आपको मेरे फेस पे स्वेटिंग भी दिख रही है बिकॉज गर्मी बहुत है, क्या करूं मैं, और लाइट के आगे तो और भी हीट आती है। एंड गाइज मैंने ना काजल तो फिर भी ठीक है, मस्कारा से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा काम करेगा। सीरियसली चुटकू सा क्यूट सा मस्कारा, ये मुझे ना उसकी याद दिला रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूप ऑफ अ हाई एंड मस्कारा विच इज टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा। इसकी वॉन्ड भी वैसी है थोड़ी थोड़ी सी, उसकी थोड़ी और ग्लास शेप में थी, इसकी थोड़ी सी आगे से अलग है बट वैसी सी वॉन्ड है। एंड इसका काम भी वैसा सा है गाइज, डेफिनेटली अ हिट फॉर मी। बस ना अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग काजल चाहिए ना, दिस इज नॉट द लॉन्ग लास्टिंग, स्मोकी आईज लुक के लिए काफी अच्छा है। आप इसको ब्लेंड इजिली कर सकते हो एंड इसको ना सेट कर लेना, बिना सेट किए ना ये स्मज होने वाला है, स्मज प्रूफ नहीं है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्मज प्रूफ काजल, आई डोंट फाइंड इट स्मज प्रूफ, यू कैन सी इजिली स्मज हो जाता है ये। सो मुझे ये कॉम्बो भी काफी अच्छा लगा, स्पेशली द मस्कारा। काजल इज ओके फॉर मी बिकॉज इट्स नॉट द स्मज प्रूफ, एंड इसका मतलब बहुत जल्दी थोड़ा फैलने का है गर्मी में स्पेशली, और जिसको इतनी स्वेटिंग होती है मेरी तरह। बट द मस्कारा, आई लव दिस मस्कारा, और आपको ना ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए अगर आपको दोनों चाहिए, अदरवाइज अकेला मस्कारा तो मिल नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, हो सकता है फ्यूचर में अकेला मस्कारा भी लॉन्च कर दें, बट आप साइट पे जाके चेकआउट कर लेना। सो दैट्स इट गाइज, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन आपको कैसे लगी ये प्रोडक्ट्स, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज, न्यू लॉन्चेस। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।